ग्री थिंग्स एवरी वन वेलकम टू माई चैनल मोनिका सिंह टूटोरियल्स जिसमें कि आज हम क्लास ट्वेल्थ फ्लामिंग बुक से फर्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज़ द लास्ट लेसन अल्फॉन्स डॉडेट इज द राइटर ऑफ दिस लेसन जो अल्फॉन्स डॉडेट है वो राइटर है तो पहले एक बार ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं हम अल्फॉन्स डॉडेट एटीन फोर्टी एटीन नाइनटी सेवन वॉज ए फ्रेंच नावलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं वो एक फ्रेंच नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे द द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रेंको वॉर जो लास्ट लेसन है वो उन दिनों पे सेट किया गया था जबकि फ्रेंको पुरुष के बीच में वॉर चल रही थी लड़ाई हो रही थी 1870 और 1871 की बात है ये इन विच फ्रांस वॉज डिफिटेड बाई प्रुशिया जिसमें कि जो फ्रांस था उसको पुरुषिया ने हरा दिया था लेट बाई ब्रेसमार्क प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ बट नाउ नेशंस ऑफ जर्मनी जो पुरूषिया है मतलब आज वो पार्ट है किसका जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरें हैव पास इन टू प्रूशियन हैंड्स ये जो स्टोरी है इसमें फ्रेंच की जो दो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरन वो किसके हाथों में चली जाती है पुरूषिया के हाथों में चली जाती है मतलब वो हार जाते हैं तो उनके ऊपर पुरुषन का कंट्रोल हो जाता है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल कहते हैं ये जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी है और पता करना है कि उसका स्कूल की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था आई स्टार्टड लेट फॉर स्कूल आई स्टार्टड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल कहता है उस दिन मैंने स्कूल के लिए काफ़ी देर से uh, जाना शुरू किया था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था ड्रेड ऑफ़ मीन्स फियर ऑफ मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे स्कूल जाते ही डांट पढ़ने वाली है स्पेशली एम हैमल हैड सेट दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स क्योंकि एम हेमल जो थे उन्होंने स्पेशली इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आई डिन नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैट और कहते हैं मुझे तो उसके बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था तो इसलिए मैं काफ़ी डरा हुआ था स्कूल जाते हुए फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पैंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स कहते हैं एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मतलब मैं भाग जाता हूँ स्कूल से और बाहर ही आज अपना दिन जो है वो बिताता हूँ इट वॉज सो so वॉर्म क्योंकि जो दिन था वो काफी गर्म था सो so ब्राइट काफी चमकीला था मतलब सनी डे था वुड्स जो बर्ड्स थी मतलब वो वुड्स के किनारे के ऊपर चह रही थी एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल दूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग और जो वो खुला मैदान था सोमिल सॉमिल uh, होती है जहां पे लकड़ियाँ काटी जाती है कहता है कि जो सोमिल के पीछे खुला हुआ मैदान था वहाँ पर जो प्रोशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे ड्रिल मीन एक्सरसाइज कर रहे थे इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स कहते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली थी पार्टिसिपल्स के रूल से बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट कहते हैं लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक सकता रेजिस्ट मीन्स टू स्टॉप एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल और मैं जल्दी से भागते हुए स्कूल चला गया वैन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड कहते हैं जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड थे उसके सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल ऑफ आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम दियर कहते हैं पिछले दो सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ आती है हमारे यहाँ पर वो कहाँ से आती है बुलेटिन बोट से ही आती है द लॉस बैटल्स चाहे वो uh, मतलब कोई हमारी लड़ाई हारने की न्यूज़ हो द ड्राफ्ट कोई नया ड्राफ्ट आया हो द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर या फिर कोई नया ऑर्डर आया हो कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से वो सारे वहीं से आते हैं एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और अब मैं अपने आप से सोच रहा था विदाउट स्टॉपिंग अपने आप को बिना रोके दैट वट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या बात हुई होगी राइट देन आई वॉज हरेड देन आई वॉज हरेड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो उसके बाद मैं जल्दी से <coughs> उसके बाद मैं uh, जल्दी से भागा वहाँ से इतना तेज मतलब जल्दी से जल्दी जितना कि मैं कर सकता था मैं वहाँ से जाने लगा द ब्लैक स्मिथ वॉचर जो वहाँ पे मतलब ब्लैक स्मिथ थे आ, लोहार थे वॉचर हु देयर विद हिज एपेंट जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे अपने न, आ, असिस्टेंट के साथ रीडिंग रीडिंग द बुलेटिन बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे कॉल आफ्टर मी उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लान्टी ऑफ टाइम कि इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बड़ी बब मिस बड़ी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है स्कूल पहुँचने का आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कहते हैं मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ और मैं एम हैमल का जो छोटा सा गार्डन था वहाँ पर पहुँच जाता हूँ ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस फुली हुई थी मेरी तो मैं आउट ऑफ ब्रेथ मतलब uh, हाफते हुए जो एम हेमल का छोटा सा गार्डन था वहाँ पर पहुँच जाता हूँ यूजअली वैन स्कूल बिगेन देर वॉज ए ग्रेट बर्स कहते हैं नॉर्मल डेज पर जब जो स्कूल है वो स्टार्ट होता है तो काफ़ी आवाज़ के साथ बसल बहुत शोर शराबे के साथ शुरू होता है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट जो कि बाहर गली तक सुनाई देता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर कहते हैं जो बैंचज़ uh, थे उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब उनको शिफ्ट करने की आवाज़ें जो लेसन से एक uh, मतलब साथ जो वो बोलते थे यूनिसन मीन एक साथ एक साथ जो लेसन रिपीट करते थे उसकी आवाज़ें वो कहते इतने लाउड होती थी कि हम लोग अपने आ, कानों के ऊपर अपने हाथों को रखते थे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके कि हम क्या बोल रहे हैं एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रापिंग ऑन द टेबल और जो टीचर होते थे उनका uh, बड़ा सा रूलर उसको रूलर uh, होता है स्केल आयरन स्केल जो होता है ना तो कहते वो बड़ा सा रूलर उसको टेबल के ऊपर पटकने की आवाज़ें ये नॉर्मल आवाजें थी जो नॉर्मल डेज पे स्कूल से आती थी बट नाउ इट ऑल्सो स्टिल कहते लेकिन अब भी तो सारी चीजें बिल्कुल स्टिल थी बाकी सारी चीज़ें एकदम रुकी हुई थी मतलब शांति थी हर जगह आई हैड काउंटेड ऑन कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन कहते कि मैं uh, अपना वो जो कॉमोशन होता था वो जो आवाजें थी शोर शराबा था उसके ऊपर मेरे को पूरा विश्वास था काउंट ऑन मीन्स टू बिलीव ऑन समथिंग कहते उसके ऊपर मेरे को पूरा भरोसा था कि मैं उसका सहारा लेकर बिना किसी को दिखाई दिए अपने बेंच के ऊपर पहुंच जाऊंगा क्योंकि वो लेट हो रहा था ना बट कोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एड संडे मॉर्निंग कहते लेकिन उस दिन हर चीज़ बिल्कुल इतनी शांति जितनी कि संडे मॉर्निंग को होती है क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल नहीं होता नाउ ही सिंग थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस कहता है कि खिड़की से मैंने देखा कि जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म और जो मिस्टर एम हैमल थे वो उनके अपने हाथ के नीचे दबाए आगे पीछे वो जो थे वो क्लास में घूम रहे थे आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी कहते हैं मुझे जो दरवाजा था वो खोलना पड़ा और सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लड एंड हाउ फ्राइड एंड आई वॉश ब्लश होते जब हमारे गाल लाल हो जाते हैं शर्म के मारे कहते तुम सोच सकते हो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब मैं कितना शर्माया हुआ था और मैं कितना डरा हुआ हूँ उस टाइम पे बट नथिंग हैपन कहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एम हेमल सॉमी एंड सेट वेरी काइंडली जो एम हेमल थे उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोला गो टू द योर प्लेस क्विकली जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स वी आर बिगनिंग विदाउट यू हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आई जम्पूवर द बेंच एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क कहते हैं मैं अपने बेंच से जम्प करते हुए गया और अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ गया नॉट टिल देन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिट आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड फिल्ड शर्ट कहते हैं कि मतलब मैं अभी अब uh, बैठा ही था कि और मैं अपने डर से थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल पाया था कि तभी मैंने क्या देखता हूँ कि uh, जो हमारे टीचर हैं उन्होंने अपनी जो सुंदर सा uh, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है हिज फिल्ड शर्ट फील्ड होते झालर वाले उन्होंने अपनी जो फील्ड शर्ट है वो पहनी हुई है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई है जिसके ऊपर पूरे के ऊपर कढ़ाई की हुई है दैट ही नेवर वो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे जो कि वो कभी भी नहीं पहनते हैं सिवाय उन दिनों के जिस दिन स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है तो उन्होंने उस दिन वही ड्रेस पहनी हुई थी जो वो स्पेशल डेज पे पहनते थे बिसाइड द होल स्कूल सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन कहता है उसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था सोलेमन में सीरियस दिखाई दे रहा था बट द थिंग डैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट ऑलवेज एम टी द वलेज पीपल क्वाइटली लाइक आर सेल्व कहते लेकिन जो सब जो सबसे ज्यादा चीज़ मुझे सरप्राइज करी थी मुझे हैरान करी थी वो ये थे कि जो हमारे बैक बेंचेस थे पीछे वाले बेंचेस थे जो कि हमेशा खाली रहते थे <coughs> उनके ऊपर आज कौन बैठा हुआ है उनके ऊपर गांव के कुछ लोग बैठे हुए बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए बिल्कुल हमारी तरह विद हाउजर थ्री कॉर्नर है uh, uh, बूढ़ा हॉजर है जिसने थ्री कॉर्नर हैट पहना हुआ है द फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो पहले वाले मेयर थे वो और जो पहले वाले पोस्ट मास्टर थे वो एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और उनके अलावा काफ़ी सारे और लोग थे जो उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए थे एवरीबडी लुक सैड जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा सैड दिख रहे थे एंड हॉजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर प्राइमर होता है जो पुरानी अल्फ़ाबेट्स की बुक होती है ना एलिमेंट्री uh, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं नर्सरी क्लास में हिंदी में कैक है गए वाली और इंग्लिश में ए बी सी तो वो ओल्ड प्राइमर में जो पुराना उनका एलिमेंट्री बुक थी वो अपने साथ लेकर आए थे ओल्ड हाउसे थाम डेट द एजेस, थाम डेट द एजेस में जो कि कॉर्नर पर से फटी हुई थी एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और उन्होंने वो जो प्राइमर थी अपने नीज घुटनों के ऊपर खोली हुई थी विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस और उनके जो स्पेक्टिकल्स थे वो उनके पेजेस के ऊपर रखे हुए थे वाइल्ड लाइफ वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर कहता है इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच ही रहा था तभी जो एम हैमल है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन और कहते हैं वो उसी सीरियस और काइंड uh, टोन में uh, कहते हैं विच ही हैड यूज टू मी जो कि उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी सैंड कहते हैं माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन कहते कि जो ऑर्डर है वो आ गया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरन की ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब जो अल्सेस और लॉरन में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी द न्यू मास्टर कम्स टू मोरो जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से इसे सुनो व्लाब दीज वर्ड्स टू मी वर्ड टू मी कहते हैं कि कितना झटका लगा था मुझे एकदम से थंडर क्लाब में बहुत हैरान हुआ था मैं ये जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे ये सुन के ओ द रैचिज दैट वॉज वर्ड दे है टाउन हॉल के द ओ oh. तो ये सारी चीजें जो थी वो टाउन हॉल के सामने जो भीड़ लगी हुई थी नोटिस बोर्ड पे वो इसलिए लगी हुई थी क्योंकि उसमें ये ऑर्डर ही लिखा हुआ था हे सिंग माई लास्ट फ्रेंच लेसन कहता मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन वाई क्यू आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट कहता मुझे तो मुश्किल से ही लिखना आता है मतलब मैं तो मुश्किल से तो तो ही लिखना जानता हूं मुझे तो लिखना भी नहीं आता अभी आई शड नेवर लर्न एनी मोर कहता कि अब मैं इसको और नहीं सीख पाऊंगा आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा देन कहता फिर ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन कहते मैं कितना uh, बुरा फील कर रहा था कि मैंने अपने जो लेसन है उनको ठीक से याद नहीं किया फॉर सीकिंग बर्ड्स एड्स क्यों याद नहीं किया ढंग से क्योंकि मैं जो बर्ड्स के एग्स थी उनको ढूंढता रहता था गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और जो सार रिवर थी वहाँ पर uh, मतलब स्लाइड करने के लिए चला जाता था माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाई लागू कहते जो मेरी बुक थोड़ी देर पहले मेरे लिए नॉइसेंस थी मतलब डिस्टर्बेंस थी मेरे लिए कुछ देर पहले तक सो हैव इट टू कैरी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको कैरी करना माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ देंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ कहते जो हिस्ट्री की बुक थी जिसमें कि हमारे जो संत थे उनकी हिस्ट्री दी हुई थी कहते अचानक से वो सारी बुक मेरी क्या हो गई थी पुरानी दोस्त बन गई थी दैट आई कूडेंट गिव अप जिनको किया मैं नहीं छोड़ सकता था एंड एम हैमल टू कहते हैं और अगर एम हैमल की बात करेंगे तो वो भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे ये जो आइडिया था ये सोच करी कि वो जा रहे हैं दूर हमसे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर तो कहते हैं वो मुझे भुला देता है उसके जो रूलर थे जो स्ट्रिक्टनेस थी उनकी उसके बारे में भूल जाता हूँ एंड हाउ क्रांकी ही वॉज क्रांकी मीन्स अग्रेसिव और कितने वो गुस्से वाले थे ये सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ मेरे को अचानक से उनसे अटैचमेंट होने लगता है कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा पुअर मान बेचारा आदमी इट वॉज इन हिज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन कहते ये उनका रिस्पेक्ट uh, uh, थी लास्ट लेसन की दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स की उन्होंने आज जो है वो अपने संडे क्लोथ्स मतलब वो uh, कपड़े पहने थे जो कि वो हमेशा स्पेशल डेज पर पहनते हैं एंड नाउ आई अंडरस्टूड कहते और मैं अब समझ गया था वो आय द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग दैर इन द बैक ऑफ द रूम अब मेरे को समझ में आया था कि वो जो बूढ़े आदमी थे विलेजर्स थे वो वहाँ पर आ, रूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू कहते वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर कहता है ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक्स बोलने का फॉर हिस फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उनके चालीस साल की जो फेथफुल सर्विस थी उसको थैंक्स बोलने का ये उनका अपना तरीका था एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर कहता और वो उनका तरीका था कि वो अपनी जो कंट्री है उसको रिस्पेक्ट पे, पे कर सके उसको सम्मान दे सके जो कि अब उनकी नहीं रही थी क्योंकि अब वो किसकी कंट्रोल में चली गई थी पुरूषिया के वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड कहते जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तो अचानक से मुझे सुनाई दिया कि जो मेरा नाम था वो बुलाया गया इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड मेरी बारी थी जो लेसन था उसको रिसाइट करने की वट शुड आई हैव वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू सेट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर कहते कि मतलब उस दिन मैं चाहता था कि वो जो डरा देने वाला रूल है पार्टिसिपल का उसको मैं एक ही बार में बोल दूँ वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत ही लाउड और क्लियर वॉइस में एंड देन विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के बट आई गॉट मेक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड कहते हैं लेकिन जो मैं था वो पहले ही वर्ड में अप हो गया पहले ही वर्ड में उलझ गया एंड स्टोट होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क और वहाँ पर खड़ा रहा चुपचाप से अपना जो डेस्क uh, था उसको पकड़ के माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुकअप कहते हैं जो मेरा दिल था वो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर uh, देखूँ आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट्स कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स कहते मैंने सुना कि जो एम हैमल थे वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांटने वाला नहीं हूँ लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ तुम्हें खुद से बहुत बुरा लग रहा होगा सी हाउ इट इज़ कि देखो ये कैसा है एवरी डे वी हैव जेड टू आर्सल आई हैव प्लान्टी ऑफ टाइम कि हर रोज हम अपने आपसे कहते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है आई विल लर्न इट टमोरो मैं इसको कल याद कर लूँगा

कहते हैं और वो जो फेलोज हैं उनके पास अब पूरा अधिकार है ये कहने का तुमसे हाउ इज दट कि कहते ये कैसा है यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना कि तुम दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज क्या हो और तुम अपनी जो लैंग्वेज है ना तो उसको लिख सकते हो ना उसको बोल सकते हो और फिर भी तुम ये कहते हो कि तुम क्या हो फ्रेंच पीपल हो बट यू आर नॉट द वर्स्ट कहते लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो यहाँ पे पुअर लिटिल फ्रेंच छोटे लिटिल फ्रेंच वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद कहते हैं कि मतलब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को क्रिटिसाइज करने की अपने अंदर जो दोष है उसको ढूंढने की रिप्रोच मीन्स क्रिटिसाइज करना योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न कहते जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी uh, मतलब नहीं चाहते थे कि तुम जो है वो uh, सीखो तुम जो है वो स्कूल जाओ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम जो है वो स्कूल जाओ दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स मतलब वो हमेशा प्रेफर करते थे उनकी हमेशा यही uh, प्रेफरेंस रहती थी कि तुम कहाँ पर जाओ फार्म में जाओ खेतों में जाकर काम करो या किसी मिल में जाकर काम करो सो एज टू हैव यू अ लिटल मोर मनी ताकि तुम uh, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा सको एंड आई कहते हैं तो और मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो कि मेरे ऊपर भी तो ब्लेम आना चाहिए ना हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स कि क्या मैं तुम्हें नहीं भेज देता था अपने जो फ्लावर्स हैं उनको पानी देने के लिए इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन मतलब तुम्हारे लेसन को याद ना करने देने के बजाय मैं तुम्हें कहाँ पर भेज देता था मैं तुम्हें भेज देता था कि तुम जाकर जो पानी पौधे हैं उसमें पानी डालो एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग और जब भी मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था डिट आई नॉट जस्ट गिव यू अलीडे तो क्या मैंने मतलब जो हॉलीडे थे उसको अनाउंस नहीं कर देता था स्कूल uh, में कि आज छुट्टी है जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था देन फ्राम वन थिंग टू अनदर कहते हैं उसके बाद एक चीज़ के बाद दूसरी बातें वो करते रहे एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज मतलब जो एम हैमल है वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में बताते रहे सेग दे दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल और वो कह रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल यहाँ पर आपको जो फ्रांस है उसका एक uh, माप दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखें ही वॉज सेंग दैट वो कहते हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कि ये जो फ्रेंच uh, लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है इस दुनिया की द कलियर द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा क्लियर सबसे ज़्यादा लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस और ये जो लैंग्वेज है इसे हमें अपने बीच में सेव करके रखना चाहिए एंड नेवर फॉगेटेड और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए बिकॉज वेन पीपल आर इंसलेव कहते हैं क्योंकि जब भी लोग जो है वो गुलाम होते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज कहते हैं जब तक ही वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको पकड़ कर रखते हैं इट एज इफ देड द की टू देर रीजन तो उनके पास जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखेंगे उसके अपने बीच सेव करके रखेंगे तो जो लैंग्वेज है वो ही एक ऐसी चाबी है जो हमें वो जो इंसलेवमेंट है ग़ुलामी है उसकी जो जेल है उससे आज़ादी दिला सकती है देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड असार लेसन उसके बाद उन्होंने अपनी जो ग्रामर बुक थी उसको ओपन किया और हमें एक लेसन पढ़ाना शुरू किया आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टुड इट कहते हैं मैं बहुत हैरान हो रहा था ये देख कर कि कितनी अच्छे से मैं वो जो लेसन है उसको समझ पा रहा हूँ ऑल ही सैट सीम्ड सो ईजी सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लेसन सो केयरफुली कहते मतलब जो भी वो बता रहे थे वो इतना आसान लग रहा था इतना आसान लग रहा था कि मैं सोचने लगा कि मैंने शायद उनको पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस और या फिर शायद उन्होंने कभी मतलब उन सारी चीज़ों को इतने पेशेंस के साथ एक्सप्लेन ही नहीं किया था इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारा आदमी हमें वो सारी चीज़ें सिखा देना चाहता था जो भी उसको आती थी यहाँ से जाने से पहले एंड टू पुट इट ऑल एंड टू आर हैज एट वन स्ट्रॉक और वो चाहता था कि वो सारी चीज़ें वो हमारे दिमाग में एक साथ ही डाल दें मतलब एक ही स्ट्रोक में एक ही साथ वो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें डाल दें आफ्टर दैट ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग कहते हैं ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन था दैट एम हैमल हैड दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर उस दिन जो एम हैमल थे हमारे लिए नई नोटबुक्स लेकर आए थे ब्रिटेन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हेड जिसके अंदर की बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब राउंड राउंड लिखा हुआ था फ्रांस अलसेस फ्रांस अल्सेस मतलब ये दोनों नाम लिखे हुए थे दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे जो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं वो हर जगह पे जो है वो घूम रहे हैं इन द स्कूल रूम स्कूल रूम के अंदर हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क और जैसे कि वो मतलब जो हमारे स्कूल के डेस्क है उसके ऊपर जो रॉड लगी हुई है उसके ऊपर लटक रहे यानी कि जो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो इतनी हाई थी उस टाइम पर कि जो फ्लैग्स उसमें नोटबुक्स में लगे हुए थे उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्लॉट करें क्लास में यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज और तुम देख सकते थे कि मतलब हर कोई जो है वो अपने काम में कितना बिजी था और कितना चुपचाप से वो अपना काम में लगे हुए थे बहुत ही ध्यान से द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर क्या तो कोई भी आवाज़ नहीं थी सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी पूरे रूम में और वो पेन से लिखने की आवाज स्क्रैच मतलब उससे लिखने की आवाज़ जो थी पेपर के ऊपर सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी बाकी कोई आवाज वहाँ पे रूम में नहीं आ रही थी फ्लू है ना एक बार जो कुछ बीटल्स हैं वो उड़कर अंदर आ जाते हैं बीटल्स वो कीड़े मतलब पंखों वाले जो कीड़े होते हैं वो बट नो बड़ी पेड़ एनी अटेंशन टू दैम कहते हैं लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया एंड नॉट इवन द लिटलेस्ट वन कहता हैं उन छोटे छोटे पंछियों ने भी नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया लिटलेस्ट वंस किसको बोला यहाँ पे कबूतरों को बोला जो कि ऊपर बैठे हुए थे हु राइट ऑन ट्रेसिंग दर फ़िश हुक्स जो कि मतलब अपने जो फ़िश हुक्स अपने जो पंजे थे उनसे ट्रेस करने में अपने जो मतलब कान है उसमें खुजली करने में लगे हुए थे एज इफ देट वॉज फ्रेंच टू और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो बर्ड्स हैं वो भी क्या हैं फ्रेंच हैं। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो और जो छत के ऊपर जो पीजन्स थे वो बहुत हल्की हल्की आवाज में कू कू कर रहे थे कू कू की आवाज निकाल रहे थे एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैं अपने आप से सोचने लगा वेल दर में एकदम सेम इन जर्मन इवन द पीजन्स कि मतलब वो हमारे ऊपर जर्मन जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज कर रहे हैं क्या वो ये जो बर्ड्स हैं इनको भी जर्मन बोलना सिखा सकते हैं द परपज ऑफ राइटिंग दिस जो राइटर है वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है दैट कम्स नैचुरल टू अस वो हमारे अंदर ने काफ़ी नेचुरली आती है हम उसको नेचुरली सीखते हैं और जैसे कि हम बर्ड्स को uh, उनकी लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते ऐसे कोई भी हमारे ऊपर अपनी लैंग्वेज है उसको इम्पोज नहीं कर सकता वेन एवर आई अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हैमल सिटिंग मोशन लेस इन इज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट इट द वन थिंग एंड एट द अनदर कहते हैं जब भी मैं ऊपर मुँह उठाकर देखता तो मैं हमेशा क्या पाता कि जो एम हैमल है वो अपनी जगह पर बिना हिले बैठे हुए हैं अपनी चेयर के ऊपर और वो गेज कर रहे हैं घूर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज के ऊपर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लास रूम जैसे कि वो हर चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते हैं जो भी उस छोटे से क्लास रूम में जितना भी उनको दिखाई दे रहा है जो भी चीज़ें वहाँ पर है जैसे कि वो अपने माइंड में उसको सेट कर लेना चाहते हैं वो इस तरीके से एक से दूसरी चीज़ के को घूर रहे हैं फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बिन देर इन सेम प्लेस कहते हैं हैरानी की बात है कि पिछले चालीस सालों से वो इसी एक जगह पर हैं विद हिज गार्डन आउटसाइड मतलब उनका जो छोटा सा गार्डन है वो बाहर है द विंडो विंडो से बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन है एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और उनके सामने जो वो क्लास है क्योंकि तो पिछले फोर्टी ईयर्स से वो इसी तरीके से इसी प्लेस पर है कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है जस्ट लाइक दैट कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैट बिन वॉन आउट कहते हैं वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिर्फ जो डेस्क हैं और जो बेंचेस हैं वो वॉन आउट वॉन स्मूद हो गए मतलब वो पुराने हो गए और पुराने होकर वो कैसे हो गए स्मूद हो गए द वॉलट ट्रीज इन द गार्डन वट टॉलर और क्या बदला वहाँ पर जो वॉलट ट्रीज अखरोट के जो पेड़ उन्होंने लगाए थे गार्डन में वो थोड़े से बड़े हो गए एंड द होप व्इन दैट ही हैड प्लान्टिमसेल्फ टाइंड अबाउट द विंडो और जो होप व्वाइंट की जो बेल उन्होंने लगाई थी खुद से वो मतलब घूमते हुए टर्न लेते हुए विंडो से मतलब छत पर पहुँच गई है हाउ इट मस्ट हैल कहता है उनका जो दिल है वो कितना टूटा हुआ होगा टूटा होगा जब उनको ये जगह जो है वो छोड़ कर जानी पड़ रही है अ पुअर मैन बेचारा आदमी टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव मतलब वो सुन सकता है उसकी जो सिस्टर है वो ऊपर जो रूम में वो क्या कर रही है पैकिंग द ट्रंक्स अपने जो ट्रंक्स है उनको पैक कर रही है फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि अगले दिन जो है उनको जो कंट्री उसको छोड़कर जाना है बट ही हैर द करेज टू हेयर एवरी लेसन लेकिन उनके अंदर हिम्मत है कि वो हर एक लेसन जो है उसको वो ध्यान से सुन रहे थे आखिर तक टू द वेरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री कहते हैं राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन था हिस्ट्री का एंड देन द बेबीज चेंटेड उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने चेंट करना शुरू किया बा बे बी बोबू बा बो वो जो अल्फ़ाबैथ होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के तो उन्होंने उसको बोलना स्टार्ट किया डाउन द एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैजैक्टिकल्स कहता है कि जो पीछे रूम में जो पीछे थे ओल्ड हॉजर था उसने अपने जो स्पैक्टिकल्स थे उसको पहन लिया था होल्डिंग इज प्राइमर इन इज बोथ हैंड उन्होंने जो प्राइमर जो बुक लेकर आए थे उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ा स्पेल लेटर्स विद और जो लेटर्स थे उनको पढ़ने लगा यू कूड सी दैट ही टू वॉज क्राइ तुम देख सकते थे कि वो भी जो था वो रो रहा था जो ओल्ड हाउस था वो भी रो रहा था His वॉइस trembled, जिसकी वजह से उसकी जो आवाज थी वो हिल रही थी विद इमोशंस uh, मतलब ज़्यादा इमोशनल हो रहा था रो रहा था तो उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी वो हिल रही थी एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हेम और कहते हैं वो बहुत फनी लग रहा था उसको सुनना दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई और मतलब वो इतना फनी था कि हम सब जो है वो हंसना चाहते थे और साथ में हमें रोना भी आ रहा था हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन कहते हैं कि ओह कितने अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन जो है वो आज भी याद है ऑल इट वॉन्स द चर्च क्लॉक स्टर्क कहता है उसी टाइम पर जो चर्च का क्लाक है उसमें बारह बज जाते हैं देन द एंगुलर्स उसके बाद जो एंगुलर्स मतलब जो प्रेयर होती है चर्च में उसकी आवाज़ें आने लगती हैं एट द सेम मोमेंट द ट्राम्पेट्स ऑफ द Prussian रिटर्निंग from ड्रिल उसी टाइम पर जो ट्राम्पेट्स है जो ड्रम्स है वो पुरुषियन सोल्जर्स के वो ड्रिल करके एक्सरसाइज करके वापस आ जाते हैं साउंडेड अंडर आवर विंडोज और बिल्कुल हमारी जो विंडो थी उसके नीचे उनकी आवाजें आ रही थी एम एम एल्स टू डप जो एम एम एल है वो खड़े हो जाते हैं वेरी पेल वो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं इन एस चेयर अपनी चेयर के ऊपर एड नेवर सो हेम लुक सो टॉल मतलब मैंने कभी भी उनको इतना लंबा इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा माई फ्रेंड सेट ही उन्होंने कहा मेरे दोस्तों आय आय वो कुछ कहना चाह रहे थे बट समथिंग चौक टेम लेकिन किसी चीज़ ने उनका जो गला गला था उसको रोक दिया चौक में बंद कर दिया ही कुड नॉट गो ऑन वो अब आगे नहीं बोल पा रहे थे देन ही टर्न आउट टू द ब्लैक बोर्ड उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़े टू के पीस ऑफ चौक उन्होंने एक पीस ऑफ चौक उठाया एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिस्माइट और जितना मतलब ताकत थी उन्होंने उस ताकत से उसको अपने हाथ में पकड़ा ही रोट एज लाज एज और उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने जो बोर्ड था उसके ऊपर लिख दिया वी विल ऑफ फ्रांस जो फ्रांस है वो जिंदाबाद देन ही एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना जो सिर था वो दीवार के ऊपर झुका दिया एंड विदाउट अ वर्ड और बिना एक भी वर्ड के उन्होंने uh, कहा ही मेड अ जेस्टर उन्होंने एक जेस्टर uh, मतलब एक इशारा किया टू अर्स हम सभी को विथ हिस्स हैंड अपने हाथ से स्कूल डिसमिस जो स्कूल है वो खत्म हो चुका है यू मे गो अब तुम यहाँ से जा सकते हो तो ये जो था वो लास्ट डे था लास्ट लेसन था एम हैमल का आई होप यू लाइक द स्टोरी आपको जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक द स्टोरी आई होप यू लाइक द स्टोरी आपको स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन uh, काफ़ी क्लियर थी अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव नाइस डे